हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राजपूती कांचली की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे कांचली की स्लीव कट करनी है, तो मैं कपड़े को फोर फोल्ड में कर देती हूँ। ये मैंने कपड़े को फोर फोल्ड में कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर देती हूँ। मुझे स्लीव की लंबाई रखनी है 15.5 इंच। देखिए 15.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ इसको कट कर देती हूँ। चौड़ाई रखनी है मुझे 7 इंच। तो ये 7 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। उसके बाद यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। इसके बाद मुझे कांचली की तराकी की कटिंग करनी है। तो मुझे यहाँ से ओपन वाले भाग से 5 इंच रखनी है तराकी, और तिरसा मिलाना है, कोने से तिरसा मिलाना है, और दो कपड़े को कट कर देना है। चारों को नहीं करना, चारों पार्ट को। स्लीव है फोर फोल्ड है, तो सिर्फ ऊपर वाले दो कपड़े को कट करना है। तिरसा कोने तक जाना है। ये देखिए मैंने दो पार्ट कट कर दिए। ये मेरे कांचली की स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद मुझे केवड़ा कट करना है। तो ये मैंने कुर्ती कटिंग की थी, उसमें से जो गला निकला है, इस गले से मैं केवड़ा बनाऊंगी। तो मैंने इसको 2 फोल्ड कर दिया है। केवड़े की लंबाई रखनी है मुझे 5 इंच, तो मैं 5 इंच पर निशान करूंगी और तिरसा कट करना है। और थोड़ा सा यहाँ पर कट देके गला बनाऊंगा। ये मैंने केवड़ा कट कर दिया है। फिर मैं पट्टी कट करूंगी। तो पट्टी के लिए मैंने ये कपड़े को डबल फोल्ड किया कर दिया है, और पट्टी की लंबाई रखनी है मुझे 5 इंच। 5 इंच और चौड़ाई रखनी है मुझे 7 इंच। ये मैंने पट्टी कट कर दी। अब मैं टुकी की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में कर दिया है, और दोनों साइड से 5-5 इंच लेना है। यहाँ से भी 5 इंच लेना है, और यहाँ से भी 5 इंच लेना है, और इन दोनों को गोलाई में मिला देना है। ये टुकड़ी की कटिंग हो चुकी है। अब मुझे आड़ा कट करना है, तो आड़े की लंबाई लेनी है मुझे 7 इंच, एंड चौड़ाई ले लेती हूँ मैं 9 इंच। अब यहाँ से कट कर देती हूँ। ये मैंने पूरी कांचली कट कर दी है। ये टुकी हो गई, ये केवड़ा, ये पट्टी, ये आड़ा और ये स्लीव।